lovely. And action. तुम दोनों थोड़ा थोड़ा तुम दोनों थोड़ा थोड़ा लुक चिट करना क्या रोक विंग कैसे करो हाँ लुक चिट करना रोक हाँ रोलिंग ये भी क्या पंची के लिए जी रोल रोलिंग एंड एक्शन तो आप जानते हैं ना हाँ बहुत बाहरी तरीके से तुम ही खुद ही बोल रहे हो रोल एंड एंड तुम्हारा हो गया रोल एंड एक्ट बहुत भारी से मतलब बहुत अच्छे से ये तो वो बहुत अच्छी लड़की है बहुत मदद करती है बिल्कुल मुझ पर से जल्दी से उठकर मेरी कमर बचाई थी उन्होंने नहीं तो जिंदगी भर मैं टुटल्ला ही रहता ये भी एक टाइप की मदद ही हुई ना खैर भाभी जी की दोस्त हमारी दोस्त हेलो जी हेलो चिंटू कह रहा है मुझसे हाथ नहीं चलाओगे चीनी मैं भी तो रुकना कितना अच्छा देख लेते हो एंड जल्दी जल्दी मैंने सॉरी एक्शन कोई बात नहीं भाभी जी के दोस्त मेरे दोस्त हेलो सॉरी कहां से भाभी जी के दोस्त मेरे दोस्त हेलो हेलो से एंड एक्शन हेलो जी कंट्रोल मुझसे नहीं मिलोगे चीनी एक हेलो तो मेरा ही बनता है वैसे हमने बहुत सुना है आप दोनों के बारे में वो भी एकदम नीचे से अभी शर्मा था ऐसे ही वैसे हमने बहुत ज्यादा सुना है आप दोनों के बारे में हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप पर्ची की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा हम है ना यहाँ इसका ध्यान रखने के लिए मैंने एक्चुअली रोक लिया वापस तो हाँ हाँ और सॉफ्टली बोलो रोल एंड एक्शन मैंने बहुत सुना है आप दोनों के बारे में पंछी हमेशा बात करती है आप दोनों से भी यही कहूँगी पंछी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए हम है ना यहाँ पंछी का ध्यान रखने के लिए जूटू कहता है मतलब आप पंछी की बॉडी गार्ड कहता ना ना ये राजकुमारी पंछी भाभी की सेना पत्नी और मैं राजकुमार टीटू का सेनापति क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि टीटू कुछ काम कर रहा है फाइनली एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रियलाइजिंग कि टीटू कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें वो खुश है तो कहते हैं ना आपका पैशन आपका इंटरेस्ट आपका टैलेंट वही होता है जो काम करते करते आप खुशी फील करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग कि टीटू काम करते हुए भी खुश है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पता चलेगा फाइनली टीटू किस चीज़ के लिए बना है क्या काम करना चाहता अच्छा आज के सीन की बात करें क्या सीक्वेंस चल रहा है चीनी की एंट्री हुई है शो में आपने देखा होगा तो गोलू और चीनी का काफ़ी क्यूट पेयर है तो अभी हम दोनों मैं और टीटू उनको मिलाने में लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल वही चल रहा है कवि सम्मेलन चल रहा है जिसमें मुझे नहीं पता कि टीटू भी किसी तरीके से इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम एंटिसिपेटिंग कि हाँ टीटू कुछ तो कर रहा है कुछ काम पर क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता तो कहीं कवि सम्मेलन में आप भी पार्टिसिपेट हुए मैं कवि सम्मेलन में गई थी क्योंकि कवि सम्मेलन का सेकेंड राउंड जेल में रखा गया था इसलिए जो अभी आप देख लेंगे आज के एपिसोड में तो इसलिए मैं भी मुझे भी चांस मिलता है वहाँ पर जाने का फाइनल राउंड में आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी देयर लेकिन अभी फाइनल राउंड होने वाला है वही डिसाइड करेगा कि क्या होता है रिजल्ट्स क्या होता है कोई भी काम करने से पहले टीटू पहले आपकी आप राय लेते हैं तो क्या कवि सम्मेलन में जाने के लिए कोई आपसे टिप्स लिए नहीं 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 फॉर द फर्स्ट वही मैं आपको बता रही हूँ कि टीटू पहली बार बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई काम कर रहा है बिना किसी से पूछे यहाँ तक कि उसकी फैमिली में भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है तो लेट्स सी अभी सबको पता चलेगा बाद में कि एग्जैक्टली क्या करना चाहता है टीटू क्यों कर रहा है किस लिए किसको नहीं बताया मोर ओवर उसको चीटिंग वाली फीलिंग भी आ रही है जो वो एक्चुअली कर रहा है क्योंकि वो किसी को पता नहीं है कि वो किसी की हेल्प कर रहा है तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ चीटिंग इसलिए भी वो किसी से शेयर नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है उसे मेरी बेल कराने के लिए पैसे चाहिए उसे मेरी बेल कराने के लिए पैसे चाहिए कहीं से भी तो उसको ये रियलाइजेशन है कि मैं शायद चीटिंग कर रहा हूँ इसलिए वो किसी से शेयर नहीं कर रहा अच्छा शो में आगे क्या ट्विस्ट आएगा कभी सम्मेलन के बाद कहीं और बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे अभी तो टचवुड जितना स्टोरी का ट्रैक मुझे पता चला है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग
अभी गुलगुले और इन सब जी की एंट्री हुई, गुलगुले जी और ये सारे कवि जो हास्य कवि हैं उनकी एंट्री हुई है, थोड़ा सा आप लोग के लिए शायद आई थिंक मुझे जो फीडबैक मिला थोड़ा डिसकनेक्टेड लग रहा होगा आपको क्योंकि सारी न्यू एंट्रीज हैं, बट जैसे हम लोग भी एक टाइम पे नए थे धीरे धीरे आपका एक कनेक्शन बना, तो अभी आई थिंक अब आप जब आगे के एपिसोड्स में फाइनल राउंड तक जब बाकी कवियों को देखेंगे तो एक कनेक्शन फील होगा, अभी थोड़ा नया लग रहा होगा कि सब नए नए चेहरे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसके बाद हास्य कवि सम्मेलन तक तो अच्छा है, इसके बाद जब मुझे पता चलेगा टीटू क्या काम करने जा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है एंड होपफुली वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आप लोग जितना एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हमारे शो से वो सारी आप आपको लगेगा कि हाँ अच्छे एपिसोड्स हैं कुछ नया आया। अपने फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी जैसा टीटू पंछी का कैरेक्टर है, टीटू जैसा हमेशा बोलता है कि आराम करिए खुश रहिए, पंछी जैसा बोलती है रोमांस करिए और खुश रहिए, तो यही मैसेज है, खूब सारा रोमांस कीजिए, खूब सारी शैतानी कीजिए, खूब आराम कीजिए, खूब खुश रहिए और जैसा पंछी कहती है खूब काम भी कीजिए, इन सब का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में इक्वली, आपकी फैमिली का, आपके काम का, मस्ती का, रोमांस का, तो सारी चीज़ें कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुश रहिए।